चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अप। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्स का प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का, जो कि 22/5/2018 को कंडक्ट करवाया गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पेपर इसलिए अवेलेबल करवा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं कि प्रीवियस ईयर में एम्स में स्पेशली पेपर किस टाइप के आए हैं। अलग अलग एम्स के लिए पहले पेपर होते थे, बट अब एक ही पेपर होता है नॉर्सेट। उसकी स्कोरिंग के बेस पर आपको एम्स में पोस्टिंग दी जाएगी, जो कि 1 ईयर के लिए एलिजिबल होगा। और आज ही एम्स जोधपुर एंड एम्स न्यू दिल्ली के लिए वैकेंसी है जो बता दी गई है कि कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। आपके पास ओनली 2 डेज का टाइम बचा हुआ है। आज 28 अक्टूबर हो गया है, 30 अक्टूबर के बाद शाम को 5 बजे है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा। जिनने भी अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है, नॉर्सेट अब एक ही बार होता है, आपके पास एक ही चांस होता है पूरे साल में कि आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं अपना जी जान और लगा दें, 22 दिन और आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करें, जिससे आप अपना नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्लियर करें और आपकी एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टिंग हो जाए। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व करते हैं उसका एक ही रीज़न होता है कि आपके क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो ही, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्ज़ाम में। आप किसी भी पेपर के लिए देख लीजिए, यदि आपने कहीं के भी 10 साल के पेपर सॉल्व कर लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपके यदि आपने 10 साल तक के पेपर सॉल्व कर लिए, तो आपके 20-25 हज़ार MCQ तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर का एक रीज़न और ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होते हैं कि पहले क्या आया होगा पेपर में, बट नॉर्सेट अभी तक एक ही बार हुआ है, बट एम्स के पेपर कंटिन्यूस होते जा रहे हैं, हर साल हुए हैं। 2014, 2016, 15, 17, 18, इवन 2020 तक भी जो एम्स के पेपर हुए हैं वो अवेलेबल हैं। आप यदि PDF फॉर्मेट में परचेस करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर हम आज जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं, एम्स 2018 का पेपर है, एम्स भोपाल का पेपर है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन टाइप फॉर्मेट में लिए हुए हैं, क्योंकि जो हमने अभी कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपको 2-3 दिन अपलोड किए, सबके डाउट्स थे कि प्रिंट है जो क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर टाइप फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे इसमें टोटल 120 MCQs रहे हैं, बट यहाँ पर हम 100 सॉल्व करेंगे नर्सिंग पार्ट को। और अभी नॉर्सेट में 180 MCQ आपके जो आने वाले हैं वो आपके आएंगे नर्सिंग सब्जेक्ट से, बाकी 20% क्वेश्चन हैं जो आपके होंगे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से, जिसमें GK करंट अफेयर, GS ऑल ओवर थिंग्स हैं जो अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पर चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। जितने भी पेपर हैं यहाँ पर अब ऑफिशियल पेपर टाइप रहेंगे, टाइप फॉर्मेट इसलिए रखा गया है क्योंकि जो ऑफिशियल पेपर है उसमें आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाता है, इसलिए आपको टाइम नहीं रहता कि आप किस क्वेश्चन के लिए मार्क कर किस आंसर को मार्क करते हैं। तो यहाँ पर टाइप फॉर्मेट में आपके लिए एक चीज़ ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द मेथड दैट इज़ यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। तो कौन सी मेथड है जिससे हम कान में है जो दवा एडमिनिस्टर करेंगे, ईयर में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, उस मेथड का नाम बताना है। ऑप्शन में है इन्हेलेशन, इंस्टलेशन, इंजेक्शन या फिर इनफिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो मेथड यूज़ की जाएगी वो कौन सी है, तो वो इंस्टलेशन। क्या होगी? इंस्टलेशन। यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी मेथड है, वो इंस्टलेशन। ईयर में दवा मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने की जो मेथड है वो क्या कहलाएगी? इंस्टलेशन। इनहेल का मतलब होता है कि नोज़ के थ्रू या फिर आप माउथ के थ्रू जो वेपर्स हैं उनको मेडिकेशन को क्या करें, इनहेल करें, खींचें, लंग्स तक ले जाएं। इंजेक्शन का मतलब होता है जो भी मेडिकेशन आपकी डायरेक्ट आर्टरीज में, वेंस में या फिर मसल्स में इंजेक्ट की जाएंगी, एडमिनिस्टर की जाएंगी, तो वो प्रोसेस क्या है? इंजेक्शन। इन्हेलेशन, इंस्टलेशन, इंजेक्शन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर शुड अ नर्स प्रिपेयर फॉर सून आफ्टर अ पेशेंट इज एडमिटेड विथ पॉसिबल रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यदि एज अ नर्स आप कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर रहेंगे या फिर रेडी रहेंगे,
यदि कोई पेशेंट रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट हॉस्पिटल आया है तो सबसे पहली आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उस पेशेंट को मैनेज करने के लिए क्या होगी और आपका कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ साथ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चांसेस है कौन सी सर्जरी करेंगे। ऑप्शन में है डायलिटेशन एंड क्यूरिटिस जिसको DNC कहते हैं, उफोरेक्टोमी, इवैक्यूएशन ऑफ द फीटस या फिर हिस्टेरेक्टोमी। जो फर्स्ट आपकी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होगा वो क्या होगा, हिस्टेरेक्टोमी है जो परफॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड, हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड, तो कौन सा प्रिंसिपल है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर काम करेगा। ऑप्शन में गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेशन या फिर इम्पार्शियलिटी। तो यहाँ पर जो काम करेगा वो होगा इम्पार्शियलिटी, हमें किसी भी के बीच में क्या करना है, इम्पार्शियलिटी नहीं करनी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमनियास इन एन वुमेन विथ जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है कब होती है, प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटिक की प्रॉब्लम है। जो नॉर्मल डे में आपको डायबिटिक नहीं होगी, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब होगा तो क्या कहलाएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हाइड्रोमनियास होने के चांसेस क्यों रहते हैं। ऑप्शन में इंक्रीज ट्रांसड्यूशन, फीटल डायलिसिस, एब्सेंस ऑफ स्वालोइंग रिफ्लेक्स इन फीटस या फिर हाइपरप्लासिया ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर हाइड्रोमनियास की कंडीशन में क्या होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूड है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, टू मच फ्लूड है जो जिसको पॉलीहाइड्रोमनियास और हाइड्रोमनियास कहते हैं, क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूड ज़्यादा हो जाएगा। तो स्पेशली और सिचुएशन कब होगी, जब मदर क्या है, डायबिटिक है, मदर को क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज है और डायबिटिक मदर हो जाती है उस टाइम पर। तो हाइड्रोमनियास होने का जो मेन रीज़न है वो क्या होगा, इंक्रीज ट्रांसड्यूशन होगा, फीटल डायलिसिस होगा कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ स्वालोइंग रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न होगा या फिर कोई अदर सिचुएशन है जो होगी। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न होगा हाइड्रोमनियास डेवलप होने का होगा फीटल डायलिसिस। फीटल डायलिसिस का मतलब क्या है कि डायबिटिक जो मदर्स होंगी उनमें फीटस क्या करेगा, बहुत ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा और यूरिन क्या करेगा, पास आउट करेगा, इसके कारण जो एमनियोटिक फ्लूड है उसका लेवल बढ़ेगा। तो ये मेन रीज़न होता है किसका, फीटल डायलिसिस का, किसमें, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हाइड्रोमनियास की सिचुएशन डेवलप करने का। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज टू डिक्रीज ब्रेन एडिमा एक्सेप्ट, तो ब्रेन एडिमा को कम करने के लिए सभी चीज़ें यूज़ की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न, हाइपरवेंटिलेशन या फिर मैनिटोल इन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं बताया गया है, बट मैनिटोल तो दिया जाता है ब्रेन एडिमा को कम करने के लिए एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन भी दिए जाते हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए। एंड यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, वो होगा डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न। नेक्स्ट इज अ फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग अ पर्सन टू नोजोकोमियल निमोनिया इज, कौन सा फैक्टर है जो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के तौर पे काम करेगा नोजोकोमियल निमोनिया को लेके। नोजोकोमियल निमोनिया का मतलब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ऑप्शन में है ओरोफेरेंजियल कोलोनाइजेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, यूज ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर यूज ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। तो नोजोकोमियल निमोनिया या फिर नोजो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होने के लिए जो मेन रीज़न होगा वो क्या होगा, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। ईटी इंट्यूबेशन से सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में जो यहाँ पर यदि नोजोकोमियल निमोनिया पूछते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया पूछते हो पर्सन में, आपको निमोनिया नहीं है बट हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण, तो उसका रीज़न क्या होगा, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। यदि इनकेस आपको अभी रिसेंट के क्वेश्चन से आता है कि जो कोविड के पेशेंट थे उनको ब्लैक फंगस हुआ था अभी रिसेंट में, बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ था, किसी की इवन पूरी आइस खराब हो गई, किसी को बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच गया,
तो किसके कारण हुआ था? वो हुआ था लॉन्ग टाइम तक आईसीयू में रहने का, ह्यूमिडिटी के कारण फंगल इन्फेक्शन फैला था। सेम है यहाँ पर, जो भी लोग हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनका नोजोकोमिल निमोनिया होने का मेन रीज़न क्या है? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और नोजोकोमियल निमोनिया रिफर्स टू एनी निमोनिया कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल एटलीस्ट 48 टू 72 आवर आफ्टर द बीइंग एडमिटेड। तो जनरली आपको यदि ड्यूरेशन पूछते हैं नोजोकोमियल निमोनिया होने का, जब आप 48 से 72 घंटे हो गए हों आपको एडमिट हो के लेके, उसके बाद ही ये निमोनिया आपको होगा, ना कि आप गए और आपको ये निमोनिया वहाँ हो जाए। एटलीस्ट आप यदि 48 टू 72 आवर्स से वहाँ पर स्टे किए हुए हैं तभी आपको ये निमोनिया डेवलप होगा, तब इसको नोजोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाएगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड और जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है वो क्या है? सेम है। नेक्स्ट इज अ 6-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, विच इज़ द सिग्निफिकेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी डन डेली बाय नर्स। तो एक 6 साल का बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सिचुएशन, उसको हॉस्पिटल में एडमिट है, एज अ नर्स आप उसका जो डेली इंटरवेंशन करते हैं क्या चीज़ चेक करेंगे? ऑप्शन में चेकिंग द टेम्परेचर, मॉनिटरिंग द इंटेक आउटपुट, मेजरिंग मिडाल सर्कमफेरेंस या फिर चेकिंग द कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है, यहाँ पर जब भी किडनी वाले, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वाले पर्सन होते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा? उनका इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है जो डेली चेक करना होगा। तो किडनी डिसऑर्डर हो या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, इसमें क्या होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेनली क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन है जो यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है। तो ऐसे केस में आपकी, यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम पूछा है, यदि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अलावा यदि किडनी प्रॉब्लम को लेकर क्वेश्चन आता है और इसी टाइप के आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी यूरिन आउटपुट या फिर इंटेक एंड आउटपुट को चेक करना। नेक्स्ट इज द एंटीडोट यूज्ड इन इज एन आयरन टॉक्सिटी इज, तो कौन सा एंटीडोट है जो कि आयरन टॉक्सिटी के लिए यूज़ किया जाता है यदि आयरन का ओवरडोज हो जाता है? कौन सी मेडिसिन एज एन एंटीडोट के तौर पर यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में है एन एसिटाइल सिस्टीन, एट्रोपिन, चारकोल या फिर डीफ्रॉक्समाइन। तो यदि आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है तब हम क्या देंगे? तब हम देते हैं डीफ्रॉक्समाइन। क्या दिया जाता है? डीफ्रॉक्समाइन। चारकोल को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एंटीडोट। यदि पता नहीं है कि क्या आपने है जो इंजेस्ट किया है, खा लिया है, उस टाइम पर क्या दिया जाता है? चारकोल दे देते हैं। एन एसिटाइल सिस्टीन है जो एन एसिटाइल सिस्टीन को डिफरेंट टाइप के जो एज एन एंटीडोट के तौर पर यूज़ किया जाएगा, बट यहाँ पर आयरन ओवरडोज हो जाता है तो क्या देंगे हम? एन एसिटाइल सिस्टीन यूज़ किया जाता है एज एन एसिटामिनोफेन ओवरडोज या फिर पैरासिटामॉल के ओवरडोज में। यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जितने भी एंटीडोट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम, आयरन टॉक्सिटी के लिए दिया जाएगा डीफ्रॉक्समाइन, एन एसिटाइल सिस्टीन या तो पैरासिटामॉल पॉइजनिंग हो या फिर एसिटामिनोफेन ओवरडोज हो तब दिया जाएगा। चारकोल को यूनिवर्सल एंटीडोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज येलो कलर कोड इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, तो येलो कलर कोड किस टाइप के हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए किया जाएगा? ऑप्शन में है ग्लासवेयर, बॉडी पार्ट्स, प्लास्टिक या फिर सार्प्स आइटम। तो जो कलर कोडिंग होती है स्पेशली किसको लेके? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। कुछ न्यू रूल्स हैं कलर कोडिंग को लेके, तो आप उन रूल्स को एक बार फॉलो ज़रूर करें, एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं, ज़रूरी नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन आए। हो सकता है आपको कोई कलर कोड का बैग दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो डिस्पोज की जाएंगी। तो येलो कलर में तो बॉडी पार्ट्स, बॉडी टिश्यू या फिर यूज्ड जो बैंडेज होंगी वो यहाँ पर डिस्कार्ड की जाएंगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स एज अ सेफ साइट फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो एडल्ट्स में जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं तो सेफ साइट कौन सी होगी? ऑप्शन में वास्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल या फिर रेक्टस फीमोरिस मसल्स। IM इंजेक्शन जनरली एडल्ट्स में दिया जाता है वेंट्रोग्लूटियल साइट पर। कहाँ पर? वेंट्रोग्लूटियल साइट पर। इन्फेंट में पूछते हैं
सॉरी इन्फेंट में पूछते हैं तो वास्टस लेटरलिस मसल्स होगा, बट यदि यहाँ पर एडल्ट में पूछा है तो क्या होगा, बेंट्रोग्लूटियल मसल। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा इज, तो यहाँ पर आपको सॉरी एग्जाम्पल बताना है ऑब्जेक्टिव डेटा का कौन सा है। ऑप्शन है ईचिंग, नॉसिया, फीलिंग ऑफ वरी या फिर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। दो टाइप के डेटा होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव डेटा का आपको क्या बताना है, एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है। तो ऑप्शन में है यहाँ पर ईचिंग, नॉजिया, फीलिंग ऑफ वरी, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। तो जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डेटा है वो कौन सा है, तो ऑब्जेक्टिव डेटा है यहाँ पर डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। तो जब आप असेसमेंट करते हैं तो आप टू टाइप का डेटा चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा। तो ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने क्या की हैं, चेक की हैं, मेजर की हैं, वो सभी चीज़ें किस में आएंगी, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, जो चीज़ें वो आपको बता रहा है ना, आपको उसके ऑब्जेक्टिव का मतलब आपने चेक की है, एज अ डॉक्टर एज अ नर्स आप उसकी बॉडी पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है ना, तो ईचिंग आप देख पा रहे हैं कि उसको कहाँ ईचिंग हो रही, वो उसको खुद फील होगी, ना तो नौजिया का पता है ना ही उसके डर का पता है, लेकिन उसकी स्किन के कलर को आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर आती हैं, लिख देंगे ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन है, बर्न है, तो ये सब क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। और बाकी जो चीज़ें वो खुद से बताएगा, जो आप विजिबल नहीं हो रही है, वो किस में आएंगी, सब्जेक्टिव डेटा में। जैसे कि पेशेंट का फीलिंग और एक्सपीरियंस है, डर को लेके, पेन को लेके, अनइजीनेस को लेके, नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग होती है यदि, तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। वाइटल साइंस, साइज एंड लोकेशन ऑफ अ वुंड, कलर ऑफ ड्रेनेज, ये सब किस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा में। नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सर्टेन ग्रुप और सिचुएशन इज रिफर्ड टू एज, तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो कि कुछ ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो ये क्या है। ऑप्शन में सोशल रोल, सोशल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन या फिर स्टेटस, तो चीज़ें किस में आएंगी, सोशल रोल में। नेक्स्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ विच एम्फसाइज दैट हेल्थ इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड फैमिली इन अ साउंड एनवायरमेंट, तो स्वस्थ मस्तिष्क, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क में क्या निवास करता है, इस टाइप से हिंदी में कुछ एक सेंटेंस है, वही है यहाँ पर, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, शांत शरीर में शांत दिमाग रहेगा, इन अ साउंड फैमिली इन अ साउंड एनवायरमेंट, शांत फैमिली है, साउंड फैमिली है तो अच्छा एनवायरमेंट भी रहेगा। यदि घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे तो फैमिली भी उतनी शांत नहीं होगी, तो इसी टाइप से है यहाँ पर। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा गया है कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड फैमिली इन अ साउंड एनवायरमेंट। ऑप्शन में साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हॉलिस्टिक या फिर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो ये सभी चीज़ें कही गई हैं किस में, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। किस में कही गई हैं, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। तो हेल्थ के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, फिजिकल कॉन्सेप्ट में हेल्थ की डेफिनेशन अलग बताई गई है, हेल्थ इज अ, तो यहाँ पर फिजिकल कॉन्सेप्ट में हेल्थ की डेफिनेशन अलग बताई गई है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में अलग बताई गई है। हेल्थ इज अ कंडीशन स्टेट ऑफ वेलबींग फ्रॉम इलनेस एंड नॉट मेयरली इन एब्सेंस ऑफ डिसीज, तो हेल्थ की यदि ये डेफिनेशन आती है तो फिजिकल कॉन्सेप्ट में आएगा, हॉलिस्टिक में आएगा, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड एनवायरमेंट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में मेंटल इलनेस को लेके बात की जाएगी, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आपके एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं जो बताई जाएंगी। तो ये सभी क्या हो गई, हेल्थ के अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए। नेक्स्ट इज इन्फीरियर वेना कैवा ओपन्स इनटू द, तो जो इन्फीरियर वेना कैवा है कहाँ पर ओपन होती है, ऑप्शन में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। तो जो इन्फीरियर वेना कैवा ओपन होती है राइट एट्रियम में। देखिए यहाँ पर दोनों वेना कैवा बताई हुई हैं विथ इमेज के, ताकि आपको ईजी रहे समझना। सुपीरियर वेना कैवा कहाँ पर ओपन होती है, अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम में, इट हैज़ नो वॉल्व। सुपीरियर वेना कैवा ओपन होती है राइट एट्रियम के यहाँ पर, तो वहाँ पर कोई भी वॉल्व
प्रेजेंट है जो नहीं होता है। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा पूछते हैं तो राइट एट्रियम में, अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, इन्फीरियर वेना कैवा ओपन होती है लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। दोनों चीज़ें याद रखनी है, सुपीरियर कहाँ पर, अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, इन्फीरियर लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, दोनों ही राइट एट्रियम में ओपन होंगी, बट एक अपर पार्ट में होगी और एक लोअर पार्ट में ओपन होगी। फिर यहाँ पे आपको जो राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर ऑर्फिस कहाँ पर रहते हैं, तो पूरा हार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना है, बट यहाँ पर वेना कैवा को लेके पूछते हैं तो सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी पार्ट का ब्लड लेके आएगी, इन्फीरियर वेना कैवा लोअर बॉडी पार्ट के ब्लड को लेके जाएगी, दोनों ही राइट एट्रियम में ओपन होंगी। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो यदि किसी पर्सन को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। ऑप्शन में डिस्निया, हाइपरटेंशन, टैकिकार्डिया या फिर हाइपोटेंशन। तो सिचुएशन डेवलप होगी यदि किसी पर्सन में किसको लेके, स्पाइनल एनेस्थीसिया को लेके, तो वो क्या होगी, वो होगी हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर है जो क्या होने लगेगा, लो होने लगेगा। यदि किसी पर्सन को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो डिस्निया होने के चांसेस कम होंगे, हाइपरटेंशन भी नहीं होगा, ना ही टैकिकार्डिया का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बहुत फास्ट होगी, रेगुलर होगी, बट ब्लड प्रेशर ज़रूर कम होगा। ये देखिए यहाँ पर तुरंत क्या असर होगा स्पाइनल का, बाद में क्या होगा, एपिड्यूरल का क्या असर होगा, तो एक छोटी सी इमेज दी हुई है, आई होप आपको इमेज क्लियर दिख रही हो। यदि इमीडिएट दिया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया तो सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है हाइपोटेंशन, एंड फिर होता है हाई ब्लॉकेज जो कभी कभी देखने को मिलेगा। अर्ली में क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, हेडेक होगा, लोकल इन्फेक्शन होगा, मेनिंजिस में होगा, एपिड्यूरल हेमेटोमा और बैकेक होगा, ये कॉमन है, बट सबसे कॉमन हाइपोटेंशन और बैकेक है जो स्पाइनल में होगा। एपिड्यूरल में क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा ना कि हाइपोटेंशन होगा, और बाकी जो बैकेक है ये भी कॉमन रहेगा। बट यहाँ पर जो मेन डिफरेंस होता है वो है हाइपोटेंशन स्पाइनल में होगा बट एपिड्यूरल में नहीं होगा। नेक्स्ट इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज, तो सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही क्या कहलाता है। ऑप्शन में है ओसिएंडर साइन, गॉडेल्स, चैडविक्स या फिर पिकाके साइन। तो ये सभी साइन है प्रेगनेंसी के, तो ये सभी कैसे साइन है, प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के, एक होता है प्रेजम्प्टिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव, तो ये सभी क्या है, प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के। तो एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स क्या कहलाएगा, गॉडेल्स साइन। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन आयरन टेबलेट फॉर मदर, जो मदर के लिए टेबलेट दी जाती हैं, आयरन की टेबलेट दी जाती हैं, तो उसमें एलिमेंटल आयरन का डोज कितना होता है। ऑप्शन में 50 mg, 50 mg, 60 mg या फिर 60 mg। जो एलिमेंटल आयरन होती हैं मदर को दी जाती हैं वो कितना उसमें डोज होता है, 60 mg है जो एलिमेंटल आयरन का डोज है जो प्रेजेंट होता है। और जो आयरन कहाँ पर स्टोर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू कॉम्बैट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी इज, यदि किसी को मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी हो जाती है तो कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाएगी। मैग्नीशियम सल्फेट कब यूज़ किया जाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज को मैनेज करने के लिए भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। और मैग्नीशियम सल्फेट जो ड्रग ऑफ चॉइस किस में मानी जाती है, इक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट में, इक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया में इसको क्यों दिया जाता है, ताकि सीजर्स को प्रिवेंट किया जा सके। ये जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसके लिए तो बहुत कम वे में यूज़ की जाती है, बट जिनको इक्लेम्टिक और प्रीक्लेम्टिक मदर्स होती हैं तो उनमें सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। जब भी MgSO4 दी जाती है तो साथ ही में ट्रे में इसका एंटीडॉट भी रखा जाता है, तो वो क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट को यदि ओवरडोज होता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसका जो मैकेनिज्म है या फिर जो उसका एक्शन है उसको कम करने के लिए क्या दे दिया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि एंटीडॉट का काम करेगा। नेक्स्ट इज अ वुंड वेयर द स्किन लेयर्स हैव बीन स्क्रैप्ड ऑफ इज टर्म्ड एज, तो ऐसा वुंड घाव जहाँ पर वहाँ की स्किन लेयर क्या हो जाए, स्क्रैप ऑफ हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में इंसीजन, पंचर, लेसरेशन या फिर एब्रेशन।
तो स्किन लेयर्स क्या होगी, स्क्रैप्ड हो जाती है, तो क्या एब्रेशन, क्या होगा एब्रेशन। नेक्स्ट इज एन इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन टू अ ड्रग टू विच अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन सेंसिटाइज्ड इज नोन एज। तो ऐसा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जिसमें पर्सन को ऑलरेडी उस चीज़ से सेंसिटिविटी है, तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में ड्रग एलर्जी, ड्रग टॉलरेंस, ड्रग इंटॉलरेंस या फिर ड्रग टॉक्सिटी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ड्रग एलर्जी, जो कि एनाफिलेक्टिक रिएक्शन भी कहला सकता है, बट ऑप्शन में यहाँ पर है तो क्या ड्रग एलर्जी। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप किसी मेडिसिन को एक इतने हद तक ले चुके कि उसका कम डोज भी आपकी बॉडी पे असर नहीं करेगा। इंटॉलरेंस का मतलब इसके अपोजिट होगा और टॉक्सिटी का मतलब होगा कि कोई मेडिसिन ओवरडोज हो गई है। नेक्स्ट इज डिगोक्सिन एजेंट। तो डिगोक्सिन क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर एंटी एंजाइना ड्रग्स। तो डिगोक्सिन और डिजिटेलिस डिजाइन क्या है, तो हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जनरली डिगोक्सिन कब नहीं दी जाती है, जब ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन हो तब नहीं दी जाती, जब पल्स रेट कितनी हो, लेस देन 60 हो जाए। एंड डिगोक्सिन का जो फर्स्ट साइड इफेक्ट है वो जो ओवरडोज यदि डिगोक्सिन होती है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा बॉडी पर, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे डिगोक्सिन टॉक्सिटी के, तो सबसे पहले एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, देन आपको वॉमिटिंग होगी, ब्लड विजन होगा। ये सब क्या है, मोस्ट कॉमन कैरेक्टर हैं किसके, डिगोक्सिन टॉक्सिटी के। डिजीवाइन है जो इसके ओवरडोज को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद पोर्टल ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डेवलप सडन कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। यदि किसी को ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डली हुई है, एडमिनिस्टर इंसर्ट है, यदि उसके लिए क्या होता है कि जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है क्या हुई, ब्लॉक हो गई है बीच में, तो आपका फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन में इमीडिएट रिमूव ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, सक्शन ऑफ ट्यूब विथ नॉर्मल सलाइन, डीप्लेट द ट्रैकियोस्टोमी कफ एंड सप्लाई हाई फ्लो ऑक्सीजन एंड ऑस्कल्टेट फॉर ब्रीथ साउंड। तो यदि इस टाइप की सिचुएशन होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी को जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डली हुई है उसको क्या कर दें, रिमूव कर दें, बाहर निकालें, देन आफ्टर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। नेक्स्ट इज अ वेट ऑफ टर्म प्लेसेंटा इन ग्राम। तो एक टर्म प्लेसेंटा का कितना वेट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 1/6 ऑफ द बेबी वेट, 1/6 ऑफ द बेबी वेट के जो प्लेसेंटा का वेट कितना होगा, वो होगा 500 ग्राम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रेस्पिरेटरी रेट्स इन एक्यूरेट। तो रेस्पिरेटरी रेट है जो सही कौन सी यहाँ पर बताई गई है। ऑप्शन में द रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ड्यूरिंग पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया की कंडीशन में जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट है जो कम हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है एन इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट। तो यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ऐसे केस में जो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या स्टिमुलेट होगा और रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा। हैवी हेल्दी एडल्ट ब्रीद अबाउट 12-20 टाइम्स पर मिनट, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन हैव लोअर रेस्पिरेटरी रेट देन एडल्ट। तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकंड भी गलत है। जो सही है वो क्या है कि जो हेल्दी एडल्ट्स होते हैं वो 12-20 टाइम्स पर मिनट में सांस लेते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर ओपनिंग इन द डायफ्राम एक्सेप्ट। तो सभी क्या होंगे, डायफ्राम में ओपन होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इन्फीरियर वेना कैवा, ईसोफेगस, ट्रैकिया या फिर एओर्टा। तो सभी ओपन होंगे किसी एक को छोड़कर, तो क्या है ट्रैकिया। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हु इज इन अनरिस्पॉन्सिव सिचुएशन इज रिपोर्टेड टू द इमरजेंसी ट्रियाज विथ अननोन हिस्ट्री, ऑन असेसमेंट इट इज फाउंड रेस्पिरेशन रेट आर डीप एंड रैपिड, एबीजी वैल्यू आर पीएच 7.2, PSEO2 21 mmHg, PO2 92 mmHg, SCO3 8। यू इंटरप्ट दीज वैल्यूज टू इंडिकेट। तो यहाँ पर क्या दी हुई है, वैल्यू बताई गई हैं सभी ABG एनालिसिस की, तो आपको बताना है कि उसको कौन सी सिचुएशन डेवलप हुई है। ऑप्शन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ पर ABG वैल्यू क्या है,
पीएच 7.20, पीएसईए 221, पीओ 292 एंड एचसीओ 38। तो यहाँ पर सभी चीज़ें क्या शो कर रही हैं, सभी बता रही हैं कि पर्सन को क्या डेवलप होते जा रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग द पेशेंट विथ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हेल्प्स इन द असेसमेंट ऑफ। तो यदि पेशेंट क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन में है तो आप किस तरीके का असेसमेंट करेंगे, ऑप्शन में इंसाइट, कॉम्प्रीहेंसिव, जजमेंटल या फिर एब्स्ट्रैक्टिविटी। तो आपको जो यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन का पर्सन है तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे, जजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज सुमन इज एंट्रेड टू द इमरजेंसी वार्ड विद कंप्लेन ऑफ लेफ्ट साइडेड वीकनेस एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट कंटेन्स द डेटा दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ नर्सिंग असेसमेंट। तो यहाँ पर आपको उसकी नीट के अकॉर्डिंग असेसमेंट बनाना होगा। तो आपका जो असेसमेंट बनता है यहाँ पर वो क्या होगा, पेशेंट इज अनेबल टू कम्युनिकेट बेसिक नीड्स एंड कैन नॉट परफॉर्म हाइजीन मेजर्स विथ लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर ऑलरेडी उसको लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो आप जो नर्सिंग असेसमेंट बनाते हैं फिर उसके बाद आप उसका डायग्नोसिस बनाएंगे, बट यहाँ पर आपका नर्सिंग असेसमेंट फर्स्ट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। तो क्या होगा, पेशेंट इज अनेबल टू कम्युनिकेट बेसिक नीड्स एंड कैन नॉट परफॉर्म हाइजीन मेजर्स विद द लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट इज ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे ऑफ अ पेशेंट विद एब्डोमिनल रिसेक्शन प्रोसीजर हैज़ बीन ऑर्डर्ड ओपियोइड फॉर पेन रिलीफ। Which of the following critical aspect has to be considered before administering an opioid injection to prevent respiratory depression? तीन question clear होते हैं कि opioid दी जा रही है pain relief के लिए, but opioid injection है जो दिया जाना है उसके पहले आपको क्या check करना होगा जिससे respiratory depression होगा। यदि opioids देते हैं respiratory depression होगा, but आपको चीज़ें check, कुछ चीज़ें preventive measures यदि आप ले लेते हैं तो हम बचत पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से बचा सकते हैं। तो जब भी ओपियोइड्स दी जाती है उसके पहले रेस्पिरेटरी प्रोसेस पूरे वाइटल साइंस है जो चेक किए जाते हैं, और ओपियोइड देने के बाद क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन में इनहिबिटिंग डीएनए फंक्शन, एक्टिंग ऑन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस या फिर इंटरफेरिंग विद द सेल वॉल सिंथेसिस। तो यहाँ पर ओपियोइड एडमिनिस्टर करने के पहले आप कौन सी चीज़ है जो चेक करेंगे जिससे पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो है इंटरफेरिंग विद द सेल वॉल सिंथेसिस। जो सेल वॉल है वहाँ पर ओपियोइड का सिंथेसाइजेशन ना हो जिससे हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एन एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन। तो सेफेलोस्पोरिन है जो एंटीबायोटिक, इसका मेन एक्शन क्या है। ऑप्शन में इनहिबिटिंग द डीएनए फंक्शन, एक्टिंग ऑन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस या फिर इंटरफेरिंग विद द सेल वॉल सिंथेसिस। तो एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन है, इसका मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सेल वॉल सिंथेसिस के लिए क्या करना, इंटरफेयर वहाँ पर करना, सेल वॉल सिंथेसिस का क्या करना है हमें, वहाँ पर हम इसका इंटरप्शन करेंगे। नेक्स्ट इन्फेक्शन अक्वायर्ड इन हॉस्पिटल आर कॉल्ड। तो जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल से होता है वो सभी को पता है, इसको क्या कहा जाता है, नोजोकोनियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इंडिकेटेड बाय इंड्यूरेशन ऑफ। तो जो पीपीडी इंसाइट की जाती है उसके बाद जो पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हैं ट्यूबरकुलोसिस या फिर निगेटिव। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलिन टेस्ट माउंटेन टेस्ट होता है जिसमें क्या किया जाता है आपके लिए पीपीडी इंसाइट किया जाता है। तो जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बाद कितने डायमीटर तक है जो रिएक्ट करेगा पीपीडी तो करेगा 10 mm और मोर इन डायमीटर, 10 mm और मोर इन डायमीटर, 10 mm डायमीटर तक भी हो सकता है। तो ट्यूबरकुलिन अमाउंट टेस्ट किया जाएगा, पीपीडी इंसाइट की जाएगी और 10 से या फिर 10 से ज़्यादा डायमीटर तक है जो क्या होगा, टेस्ट जो रीडिंग होगी बताएगा कि आप पॉजिटिव हैं नेगेटिव। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कुबलर रॉस थ्योरी ऑफ ग्रीफ विच अमंग द फॉलोइंग बिहेवियरल इज ऑफ स्टेज इन सेकेंड। तो कुबलर रॉस ने जो ग्रीफ की थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेज में क्या आएगा,
ऑप्शन में एंगर, डिप्रेशन, बार्गनिंग या फिर डिनाइल। टोटल इसके 5 स्टेप होते हैं कुबलर रॉस की थ्योरी के। तो जो सेकंड स्टेज में आएगा वो क्या होगा, एंगर। फर्स्ट इज डिनाइल, सेकंड एंगर, थर्ड इज बार्गनिंग, फोर्थ इज डिप्रेशन एंड लास्ट इज एक्सेप्टेंस। डिनाइल का मतलब है कि आपकी मान लो जॉब चली जाती है या फिर आपकी शादी टूट जाती है तो आप उस चीज़ को डिनाई करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दूसरे में आपको गुस्सा आएगी, थर्ड में आप बार्गनिंग करेंगे, फोर्थ में डिप्रेशन में जाएंगे और एट द एंड आप क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज एन इंजरी टू द ज्वाइंट लिगामेंट एंड ज्वाइंट कैप्सूल इज टर्म्ड एज। यदि कोई इंजरी ज्वाइंट्स लिगामेंट और ज्वाइंट्स कैप्सूल में होती है तब उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, स्ट्रेन, स्प्रेन या फिर फ्रैक्चर। तो जो यहाँ पर टर्म यूज़ किया जाएगा, ज्वाइंट कैप्सूल या फिर ज्वाइंट लिगामेंट्स में इंजरी होती है तो टर्म यूज़ होगा यहाँ पर वो होगा स्प्रेन। क्या होगा, स्प्रेन। नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट। तो ट्रॉमा पेशेंट के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन में कंट्रोल द हेमरेज, मेंटेनेंस ऑफ एन एडिक्वेट एयर, रूलिंग आउट ऑफ स्पाइनल इंजरी, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ट्रॉमा पेशेंट में आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी या फिर कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि एडिक्वेट एयरवे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर हो पाए। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, मेंटेनेंस ऑफ एन एडिक्वेट एयरवे। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हैड चेस्ट ट्यूब ऑन हिज राइट चेस्ट विच वर कनेक्टेड टू द वाटर सील। ड्यूरिंग एम्बुलेशन द ट्यूब्स गॉट डिसलोज फ्रॉम द वाटर सील, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वायलर्स वुड बी अप्रोप्रिएट। तो वाटर सील चैम्बर से क्या हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है चेस्ट ट्यूब पेशेंट की। तो जब पेशेंट को एम्बुलेट किया गया एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है तो ट्यूब क्या हो गई, डिसलोज हो गई है। वो कहाँ से, वाटर सील से। तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, ऑप्शन में इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कफ फोर्सिबली सेवरल टाइम्स, प्लेस द पेशेंट ऑन बेड एंड प्रोवाइड द ऑक्सीजनेशन, रिकनेक्ट द ट्यूब टू वाटर सील या फिर असिस्ट द लंग साउंड ऑफ द पेशेंट। यदि पेशेंट की ट्यूब क्या हो जाती है, डिस्क्लोज हो जाती है एम्बुलेशन के टाइम पर, तो क्या करना है आपको, रिकनेक्ट द ट्यूब टू वाटर सील, दोबारा से उस सील को निकाल के क्या करना होगा, दोबारा से सील करना होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फॉल्स लेवर पेन। तो फॉल्स लेवर पेन का सही फीचर कौन सा है, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन ऑफ यूट्रस, नॉट एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज या फिर एसोसिएटेड विद सो। तो फॉल्स लेवर का फीचर जो नहीं है वो क्या है, नॉट एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। क्या है, नॉट एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। बाकी सभी किसके साइन है, ट्रू लेवर पेन के। नेक्स्ट इज मिस्टर सिद्धप्पा हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन रूम बाय PICU नर्स आफ्टर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग प्रोसीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट अर्ली कॉम्प्लिकेशन। तो यदि किसी सिद्धप्पा नाम का पर्सन आया है PICU में आफ्टर कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग प्रोसीजर के बाद, तो एज अ नर्स आप क्या चीज़ें बताएंगी जिससे उसके कॉम्प्लिकेशन को हम कम कर सकें। ऑप्शन में एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज, टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर, कीपिंग कूल विथ लाइट पेशेंट बॉडी कवर टू प्रिवेंट एलिवेटेड टेम्परेचर, पोजिशनिंग हिम इन बेड विथ पिलो प्लेस अंडर हिज नी टू इम्प्रूव द वीनस रिटर्न। तो आपको क्या करना है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन से हमें बचाना है किसी PICU का जो पर्सन आया है उसके लिए, तो क्या करना है, एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज इन टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर। तो यहाँ पर यदि किसी का PICU का पर्सन है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास हुआ है ग्राफ्टिंग प्रोसीजर के साथ, तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपके लिए क्या करना है, जो एम्प्लॉइंग है उसकी लेग एक्सरसाइज करवाना है और उसको हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करवाना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन। तो बोन की सबसे बाहरी कवरिंग क्या कहलाती है, पेरी ओस्टियम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंट मदर विथ क्रॉनिक हाइपर टेंशन। तो कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी मदर को, यदि मदर को क्रॉनिक हाइपर टेंशन हुआ है तो। ऑप्शन में मिथाइल डोपा, एटिनोलॉल, डाइजापाम, मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्या होगा, मिथाइल डोपा, क्रॉनिक हाइपर टेंशन यदि किसी प्रेगनेंट मदर को है तो आप कौन सी मेडिसिन देंगे उसको, मिथाइल डोपा।
नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज डायग्नोज बेस्ड ऑन रीड स्टेनबर्ग सेल टाइप, तो कौन सा डायग्नोसिस है या फिर कौन सी डिसीज में रीड स्टेनबर्ग सेल्स पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हेपेटोब्लास्टोमा में। नेक्स्ट इज द एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग, तो यदि किसी को एट्रोपिन ओवरडोज होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो क्या होगी या फिर एंटीडोट के तौर पर आप क्या एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन है पिलोकार्पिन, बिथाकेनोल, फाइगोस्टिगमाइन या फिर न्यूस्टिगमाइन। वो देंगे हम फाइजोस्टिगमाइन, एट्रोपिन पॉइजनिंग है यदि एट्रोपिन ओवरडोज है तो क्या देंगे फाइजोस्टिगमाइन। नेक्स्ट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावीनसली फॉर अ पेशेंट हु हैज़ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड इज साइटिंग कॉन्ट्रैक्शन इन एवरी 10 मिनट टू इज, तो क्या दी है हमने किसी पर्सन को मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर की है तो क्या हुआ है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की सिचुएशन डेवलप हुई है, तो एवरी 10 मिनट में आप क्या चेक करेंगे। प्रोवाइड द सेडेशन, प्रोवाइड फीटल लंग फंक्शन, मेंटेन द ब्लड प्रोसीजर, इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन। यदि ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना होगा इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को कम करना है जिससे थोड़ा डिले और कर सकें जिससे प्री मेच्योर बेबी के डिलीवर होने के चांसेस भी कम हो जाए। नेक्स्ट इज द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज, तो ये सबको पता है क्या कहलाता है लाइटनिंग सॉरी क्विकनिंग, परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट क्या कहलाएगा क्विकनिंग। नेक्स्ट इज अ 10-year-old चाइल्ड विद अस्थमा इज एडमिटेड टू द वार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड्स इमीडिएट एक्शन बाय द नर्स, यदि कोई अस्थमा का 10 साल का पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी यहाँ पर जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है ऑप्शन में सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, ब्रीद रेट 20 per mm, रिफ्यूजिंग टू ईट द फूड या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी वॉट इज द, तो जो क्वेश्चन नंबर 47 इसका जो क्लियर आंसर है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टोडलर, तो टोडलर के लिए कौन सा डेवलपमेंटल टास्क है ऑटोनॉमी वर्सेस सेमेंट डाउट। नेक्स्ट इज अ क्लासिकल मेथड यूज्ड इन ब्रिंगिंग डाउन एन आर्म इन ब्रीज प्रेजेंटेशन इज, तो कौन सी मेथड यूज की जाती है बच्चे को यदि ब्रीज प्रेजेंटेशन है तो उसकी आर्म को डाउन साइड लाने के लिए पहले पोजिशन में लाने के लिए। ऑप्शन में रेट गन्स, लॉफसेट, क्रेट्स या फिर पिनाइट, मेथड यूज की जाती है वो क्या है लॉफसेट्स मैन्यूवर, लॉफसेट्स मैन्यूवर के थ्रू जो ब्रिज प्रेजेंटेशन में यदि बेबी है तो उसको सेफेलिक कोबर्टिक्स प्रेजेंटेशन में हम ला सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल ग्लोबेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो नॉर्मल GFR है वो कितनी होती है तो सबको पता है 120 ml/min। तो इसके आगे कोई क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।